हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बेंजो मूवी के 7 डे कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट 7 डेज में इस फिल्म ने कुछ ज्यादा खासा कमाल नहीं किया है और उसके कलेक्शन में काफी ज्यादा कमी आई है। पहले दिन जब फिल्म ने करीबन करीबन 2 करोड़ तक का बिजनेस किया था तो बहुत एक अच्छी लगा था लोगों को, ये फिल्म अच्छी कमाल करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। फिल्म ने जो फ्राइडे सैटरडे संडे करीबन एक ही तरह का बिजनेस किया, यानी कि 2 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया। उसके बाद जो वीकडेज चालू हुए मंडे ट्यूजडे वेनसडे, इस फिल्म ने करीबन करीबन 1 करोड़ से कम की कमाई की है, जिस वजह से ये फिल्म का जो टोटल होता है वो अभी तक होता है 8.72 करोड़। यानी कि फिल्म ने करीबन करीबन सिर्फ 8.5 करोड़ के ऊपर की कमाई की है। जो आखिरी दिन 7वें दिन का कलेक्शन आया, 7वें दिन फिल्म ने कमाया है सिर्फ 52 लाख और वेनेसडे को इस फिल्म ने कमाए थे सिर्फ 62 लाख। तो आप समझ सकते हो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर रही है फिल्म। वैसे तो एक अच्छी है, उतना बड़ा बजट की फिल्म तो नहीं है, बट फिल्म ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है। बट कहीं ना कहीं जो इसका आंकड़े है वो इसके फेवर में नहीं आ रहे, और उसका एक रीजन सिर्फ यही है कि पिंक मूवी जो बहुत बढ़िया कमाल कर रही थी, पिंक मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते ही इसका कलेक्शन इतना कम हुआ है। क्योंकि पिंक मूवी ने सेकेंड वीक में भी धमाल किया है और करीबन करीबन 3 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करते आई थी मंडे ट्यूजडे थर्सडे जे सेकेंड वीक में। बहुत अच्छा बिजनेस करी थी पिंक मूवी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो पिंक सॉरी बेंजो का एक कलेक्शन का एक था वो एक कम हो गया। उसके वजह से बेंजो कहीं ना कहीं एक भारी मूवी साबित नहीं हुई है पिंक के सामने, जिस वजह से इसका कलेक्शन इतना कम हुआ है। अब तो उसके पास कमाने के ज्यादा जरिए भी नहीं है, वो इसलिए कि अब बेंजो मूवी दूसरे हफ्ते में आ चुकी है और दूसरे हफ्ते में इसे टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा MS धोनी मूवी जो रिलीज हुई है सुशांत सिंह राजपूत की उससे, और साथ ही साथ पिंक मूवी जो अपने तीसरे हफ्ते में आ चुकी है उससे। इन दोनों मूवी के सामने बेंजो मूवी का टिकना कुछ नाकाम मतलब एकदम मुश्किल लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस आने वाले इस हफ्ते के अंदर ही बेंजो मूवी सिनेमाघरों से बाहर हो जाएगी। तो ये आंकड़ा था मेरा अभी तक का, जहां पे बेंजो ने 8.72 करोड़ कमाए हैं करीबन करीबन, और जिस हिसाब से कमाए हैं वो ज्यादा मेकर्स को खुश नहीं करेगा। मेकर्स रवि जाधव ने डायरेक्ट किया था, किशिका लुला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, एक डिसेंट सी फिल्म है, नरगिस फाकरी रितेश देशमुख स्टारर फिल्म थी। ओवरऑल चलिए ठीक है, इस तरह की फिल्में जरूर इंस्पायर करती है। म्यूजिक बहुत अच्छा था विशाल शेखर का इस फिल्म में, बट कहीं ना कहीं आंकड़ों के मामले में ये फिल्म फिसड्डी साबित हुई है। तो कुछ बॉलीवुड कलेक्शन और आंकड़े पता चले तो मैं आपको जरूर बताता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।